Hello and welcome everyone. The next series of lectures with which we are going to begin speech is theories of reality. So mainly three theories hain jin pe hamara focus rahega. The first one is realism, second one is idealism, and the last one is materialism. These are three popular theories, that is theories of reality, ontological theories, theory of being, theory of existence. So in the today lectures we begin with realism and दो टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पे, मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म. सो आई वेलकम यू ऑल हियर. सो लेट्स बिगिन विद रियलिज्म, इंट्रोडक्शन टू रियलिज्म. सो रियलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ रियलिटी. द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज रियलिटी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, कि रियल क्या है, व्हाट इज रियल. जो रियल होगा, जो ट्रूली एग्जिस्ट करेगा, उसी को एग्जिस्टेंस बोला जाएगा. तो इट्स अ थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी है, मेटाफिजिकल थ्योरी है. रियलिज्म क्या है? इट्स अ मेटाफिजिकल थ्योरी जिसमें जो फिलासफर्स हैं ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रियलिटी. तो जो रियलिस्ट रियलिज्म है, इट्स ए फिलासफिकल पोजिशन है. कुछ जो फिलासफर्स हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, उनकी फिलासफी जो होती है वो रियलिज्म होती है. तो देखते हैं इसको क्या है रियलिज्म. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब जो रियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं ये क्या मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं, इट पोसेस टू टाइप ऑफ क्वालिटीज, प्राइमरी क्वालिटीज एंड सेकेंडरी क्वालिटीज. प्राइमरी क्वालिटीज जैसे बात करें, सिक्स हैं. सॉलिडिटी, कोई चीज़ सॉलिड होती है ना. एक्सटेंशन मतलब उसका फिजिकल होना, स्पेस और टाइम में होना. एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करना. जैसे मैं ये, आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं स्पेस और टाइम में हूँ. आपके हाथ में आपका फ़ोन है, ये एक्सटेंड कर रहा है तभी आपको दिख रहा है, सॉलिड भी है वो. और फिगर, मोशन, रेस्ट एंड नंबर्स, ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं? प्राइमरी क्वालिटीज. और जो इसके अपोजिट होती है वो है सेकेंडरी क्वालिटीज, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल, टच. टच कर पा रहे हैं फ़ोन को आप? ये सेकेंडरी क्वालिटी है. अब होता क्या है, जो प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं उनका जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव मतलब यूनिवर्सल, एक ही है वो. बट ऑन द अदर हैंड जो सब्जेक्टिव क्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं? डिफर होती हैं, दे आर सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव क्या है, कहाँ से आ रहा है? सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट कौन होता है? पर्सन. तो पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव क्वालिटी चेंज हो जाती है. कलर सबको अलग दिखता है, एक जैसा नहीं दिखता सबको. सबको एक जैसा टेस्ट नहीं आता है, सबको एक जैसी स्मेल नहीं आती है, सबको एक जैसा टच भी नहीं आता है. आपने फ़ोन तो फ़ोन सबने हाथ में पकड़ा हुआ है, बट एक जैसा फील नहीं आएगा. जो फील है वो आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, मतलब धूप किसको लगती है ज़्यादा. अब अगर कोई ब्लैक होगा तो उसको धूप लगेगी या नहीं? कम लगेगी उसको. अगर कोई वाइट होगा स्किन टोन उसका, तो ज़्यादा धूप लगेगी. तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक जैसी धूप है, धूप तो सन से एक जैसी आ रही है, वो तो ऑब्जेक्टिव है. बट जो हम फील कर पा रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्टिव. आगे जैसे एप्पल है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो एप्पल में प्राइमरी क्वालिटीज़ भी होती हैं और सेकेंडरी क्वालिटीज़ भी होती हैं. प्राइमरी क्वालिटी मतलब सॉलिड है वो, एक्सटेंड कर रहा है. देन फिगर है उसकी, एक मोशन रेस्ट होगा कुछ भी, या तो मूव कर रहा होगा जहाँ स्टैटिक होगा. देन नंबर्स, 1, 2, 3, 4. और दूसरी तरफ क्या है, एप्पल का कलर, एप्पल के टेस्ट, एप्पल का जो स्मेल है, उसका जो टच है, क्रंची मंची जो भी होगा. अब मुझे बताइए, जब आप एप्पल की बात करते हैं आप क्या देखते हैं? एप्पल का कलर, स्मेल, टेस्ट और जो फील है टच करने में. आप हाथ में पकड़ेंगे उसको, देखेंगे कैसा है. अगर ख़राब नहीं होगा तो वो शायद उसकी हार्ड होगी थोड़ी सी, टच अच्छा रहेगा. देन स्मेल, देन कलर और खाएंगे, टेस्ट करेंगे. अब जो आपकी डेफिनेशन है एप्पल की, वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइमरी क्वालिटीज़ पे कि सेकेंडरी क्वालिटीज़ पे? मतलब जो आपका नॉलेज है एप्पल का वो किस पे डिपेंड करता है? कभी आपने सॉलिडिटी चेक की, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट और नंबर्स, कभी आपने इनको एक्सपीरियंस किया? नहीं. आप सॉलिडिटी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. आप एक्सटेंशन एक्सपीरियंस कर तो रहे हैं, बिकॉज मतलब एक्सटेंशन ही अगर एक्सटेंड नहीं करेगा तो वो देख नहीं पाएंगे आप उसको, बट आप एक्सटेंशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. आप जो आपका जो नॉलेज है ना एप्पल का, वो टोटली सेकेंडरी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है. बट जो एप्पल है एक्चुअल सेंस में, वो किसका बना हुआ है? प्राइमरी क्वालिटीज़ का. सेम हर एक चीज़ के साथ हमारा ऐसा ही केस है.
हम चीज़ों को समझते हैं थ्रू कलर, थ्रू टेस्ट, थ्रू स्मेल, थ्रू टच, मतलब जो फाइव सेंस ऑर्गन्स डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं ऑब्जेक्ट की, हम उसके थ्रू चीज़ों को समझते हैं, नॉट की प्राइमरी क्वालिटीज़ के थ्रू। और जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एप्पल है एक्चुअल सेंस में, वो क्या है? प्राइमरी क्वालिटीज़, सॉलिड है वो, एक्सटेंड कर रहा है, फिगर है उसकी, मोशन है, रेस्ट है, नंबर है। बट जब आप एप्पल की बात करते हो, आप तो प्राइमरी क्वालिटी की बात ही नहीं करते। तो मतलब क्या हुआ? हमारा जो असेस है, जो हमारा नॉलेज है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी क्वालिटीज़। बट अगर आपको एप्पल को समझना है, एप्पल के एग्जिस्टेंस को समझना है, तो आपको प्राइमरी क्वालिटी को समझना पड़ेगा। और प्राइमरी क्वालिटी को हम नहीं समझ सकते। ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है, उसकी ये ड्रॉबैक है कि वो प्राइमरी क्वालिटीज़ को नहीं समझ सकता। हम समझ सकते हैं सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ को। और जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं, ये क्या होती हैं? इनमें क्या होती है? पावर टू प्रोड्यूस सेंसेशंस, आइडियाज़। दे आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्राइमरी क्वालिटीज़ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, और सेकेंडरी क्वालिटीज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। कलर किस पर डिपेंड करता है? आपकी आइज़ पे। टेस्ट किस पर डिपेंड करता है? आपकी टंग पे। टच किस पर डिपेंड करता है? आपकी स्किन पे। स्मेल किस पर डिपेंड करती है? आपकी नोज़ पे। साउंड किस पर डिपेंड करती है? आपके ईयर्स पे। तो फिर आप जब डिफाइन करते हैं, आप अपनी टंग को डिफाइन कर रहे हैं कि एप्पल को डिफाइन कर रहे हैं? जैसे आपने शुगर खा ली है, आपको एप्पल तो मीठा लगेगा ही नहीं। मतलब रसगुल्ला खा लिया, चाय पी रही हो, मीठी लगेगी या नहीं लगेगी? अब चाय तो मीठी है, सबको मीठी लग रही है, बट आपको नहीं लग रही है। तो मतलब जब हम डिफाइन करते हैं चीज़ों को, हम किसको डिफाइन कर रहे होते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स को। तो फिर क्या एप्पल का नॉलेज आपके पास कभी आया आज तक? नहीं। एप्पल का टेस्ट किस पर डिपेंड करता है? आपकी टंग पे, नॉट की एप्पल पे। तो अगर एप्पल को समझना है, तो आपको प्राइमरी क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा। और प्राइमरी क्वालिटीज़ को हम समझ नहीं कर सकते। और सेकेंडरी क्वालिटीज़ सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सन टू पर्सन। कलर भी अलग होते हैं, टेस्ट भी, स्मेल भी, साउंड भी, एज दे एग्जिस्ट इन अवर कॉन्शियसनेस ओनली एंड डिपेंडेंट अपॉन नोअर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड हैव रिलेटिव एग्जिस्टेंस। बट अगर सेकेंडरी क्वालिटीज़ की देखे जाए, तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव नॉलेज पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जो हम समझ पाते हैं, सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ को समझते हैं, प्राइमरी क्वालिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम उसको समझ ही नहीं पाने, इसका क्या मतलब? वो है ही नहीं है। नहीं, तो इसी तरह से जो थ्योरी बनती है, वो रियलिस्टिक थ्योरी है। कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एप्पल है नहीं है। एप्पल डेफिनेटली है, बट उसका जो रियल एग्जिस्टेंस है, वो आपके माइंड पर डिपेंड नहीं करता, वेदर यू नो इट आर नॉट। मतलब हम रियलिटी, जो एप्पल की रियलिटी है, वो प्राइमरी क्वालिटीज़ है, और प्राइमरी क्वालिटी को हम समझ नहीं सकते। तो समझ नहीं सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो है ही नहीं है? तो रियलिज्म जो है, वो ये बोलती है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो उसका एग्जिस्टेंस जो है, वो हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं है। कि हमारा जो नॉलेज है, वो सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ का नॉलेज होता है, और सेकेंडरी क्वालिटीज़ का ऑब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सेकेंडरी क्वालिटी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, परसीवर का कंट्रीब्यूशन होता है। सो अगर हम रीड करें, रियलिज्म इज ए मेटाफिजिकल थ्योरी विच गिव्स इंपॉर्टेंस टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रियलिज्म वो मेटाफिजिकल थ्योरी है जो ये मानती है कि जो रियलिटी है, वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसका एग्जिस्टेंस जो है, वो हमारे माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है। रियलिस्ट मेंटेन दैट द एग्जिस्टेंस इज रियल। क्या बोलते हैं? कि एग्जिस्टेंस रियल है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल एंड ऑब्जेक्टिव। वो अपने आप में है, इंडिपेंडेंट है, वो हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं करता है। That is why realism is also many a times called objectivism. यही वजह है कि realism को क्या बोला जाता है? Objectivism भी बोला जाता है। कि जो realistic हैं, वो बोलते हैं कि reality universal है और वो one है। The realists hold that the existence of object is not dependent on human mind as accepted by idealist. Rather, the knowledge of thing is a mere psychological fact. Knowing and not knowing the object does not affect the existence of the object. The object remain independent and unaffected by the knower and the knowledge. Thus, for the realist, there is a world of real things and persons having qualities and relations which are real as the things themselves. To conclude, we can say that realism is a doctrine which consider the reality of the external world and its object as independent of mind. So, realist kya bolte hain? Ki jo object hain, jo external world hai, ye hai, और इसका जो एग्जिस्टेंस है, वो हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे हम चीज़ों को समझ पाएं या ना समझ पाएं, चीज़ें हैं और वो ट्रू सेंस में एग्जिस्ट भी करती होंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको प्राइमरी क्वालिटी एप्पल की समझ नहीं आ रही, आप ये नहीं बोल सकते कि एप्पल है ही नहीं। एप्पल डेफिनेटली है, और उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है।
आइडियलिज्म में रियलिटी माइंड पे डिपेंडेंट करती है, क्योंकि आइडियलिज्म में रियलिटी के आइडियाज और आइडिया माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर माइंड में आइडिया नहीं होगा तो बाहर कुछ नहीं होगा। बट रियलिज्म में क्या है, रियलिज्म कहाँ से बड़ा आ रहा है, रियल से, तो वो अपने आप में रियल है। हम उसका जो रियल है वो हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं करता कि हम जानेंगे तभी वो रियल है, वो अपने आप में है, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस जो वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है। दैट इज मीनिंग ऑफ रियलिज्म। इसकी बात करें तो फर्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम तो सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, प्राइमरी क्वालिटी का नॉलेज पॉसिबल नहीं है। अगर नॉलेज पॉसिबल नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो है और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे नॉलेज से इंडिपेंडेंट है। दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। द रियलिस्ट एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अफेक्टेड बाई द नॉलेज। बींग नोन और नॉट नोन डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जानो या ना जानो, इससे जो ऑब्जेक्ट है उसके एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो थिंग्स एग्जिस्ट इवन वैन वी डू नॉट परसीव दैम। सो चीजें तब भी एग्जिस्ट करती हैं जब आप उनको नहीं जानते हो। सेकेंड पॉइंट इज क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इनहेरेंट इन दैम। सो रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि दो टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हमने बात की प्राइमरी क्वालिटीज़ और सेकेंडरी क्वालिटीज। जो प्राइमरी क्वालिटीज़ होती हैं वो ऑब्जेक्ट में इनहेयर करती हैं, और सेकेंडरी जो होती हैं वो देखने वाले पे डिपेंड करती हैं, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल, ये मेरे पे डिपेंड करती हैं। बट जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं वो टोटली किस पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जेक्ट पे। इसलिए जो इनहेयर करना क्या होता है, उसमें होना, एग्जिस्ट करना उसी में, मतलब जैसे सॉलिडिटी है वो एप्पल में होती है, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट, नंबर, जो प्राइमरी क्वालिटी है ये किस में इनहेयर करती हैं, ऑब्जेक्ट में, वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। थर्ड वन इज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, सो यहाँ पे क्या है कि जो नॉलेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, मतलब एप्पल का टेस्ट है वो आपने एप्पल खाओगे आपको पता चल जाएगा कैसा है। बट कई बार क्या होता है, जो कुछ आइडियाज जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं गोल्डन माउंटेन की, तो वहाँ पे क्या है, आप गोल्ड देखेंगे, आप माउंटेन देखेंगे, देन जो आपका कंपोजिट आइडिया बनेगा गोल्डन माउंटेन का। तो मतलब इस पर कई बार क्या होता है कि हम दो से ज़्यादा आइडियाज़ को मिलाकर जो आइडिया बनाते हैं वो कंपोज हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं रहता, वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे दोनों थ्योरीज हैं, नॉलेज डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। सो द फोर्थ पॉइंट इज रियलिटी इज यूनिवर्सल्स। सो ईच पर्सन हैज इट्स ओन विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड नन ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड ट्रू इंडिविजुअली। मतलब हर एक किसी का अपना अपना टेस्ट है एप्पल का, जो आपकी डेफिनेशन है उसको एप्पल की रियल डेफिनेशन नहीं माना जाता। एप्पल जो होते हैं वो एक जैसे ही होते होंगे, क्योंकि जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव चीज़ है, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव सेंस में जो एप्पल है वो यूनिवर्सल है। तो मतलब जो रियलिटी है वो वन ही है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी टंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, मतलब सेकेंडरी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, हम प्राइमरी क्वालिटी को नहीं समझ पाते, और प्राइमरी क्वालिटी वन होती हैं, सेकेंडरी क्वालिटीज मैनी है। इसलिए जो रियलिटी है वो भी यूनिवर्सल हो जाएगी, पर्टिकुलर नहीं रहेगी, ना सब्जेक्टिव नहीं रहेगी। वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिव, सेम मतलब है, यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव का सेम मतलब रहता है। देर ओन ए बिलीव दैट द वैल्यूज आर परमानेंट एंड ऑब्जेक्टिव एंड शुड नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम एंड सोसाइटी। मतलब जो प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं, चेंज होती हैं तो वो सेकेंडरी क्वालिटीज़। ऑब्जेक्टिव मतलब यूनिवर्सल होता है। द चिल्ड्रन कैन बी इजली टॉट दोज वैल्यूज विच हैव नॉट प्रूव्ड बेनिफिशियल इन द विच हैव बीन प्रूव्ड बेनिफिशियल इन द पास्ट। मतलब जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रोडक्टिव रिजल्ट रहे हैं, एथिकल वैल्यूज़, तो वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब जैसे गुड है, क्या बोला जाता है, बक इज वर्शिप, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, कोई भी करेगा तो मतलब अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, तो ये आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस सेंस में बात करें यहाँ पे, नो इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज। तो मतलब रियलिज्म में जो है ये वो थ्योरी है जो बोलते हैं कि जो आपका नॉलेज है उसका ऑब्जेक्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस आपके माइंड पर डिपेंडेंट ही नहीं है। जो रियलिटी है वो माइंड इंडिपेंडेंट है, वो माइंड पे डिपेंड नहीं करती है। आप जानो चीज़ों को या ना जानो, अल्टीमेट जो रियलिटी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब रियलिज्म वो थ्योरी है तो ये बोलती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो रियलिटी है, वो अपने आप में है और उसका एग्जिस्टेंस किसी भी तरह से ह्यूमन माइंड पे डिपेंड नहीं है। रियलिस्ट क्लेम दैट द ह्यूमन नॉलेज हैज नो इम्पैक्ट ऑन द रियलिटी। द ऑब्जेक्ट और इट्स क्वालिटीज डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस इन एनी वे इफ दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। मतलब अगर आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस चीज़ को समझ लिया। मतलब यू आर ट्राइंग टू डिफाइन द एप्पल्स, दैट डजेंट मीन यू डिफाइन द एप्पल इन एक्चुअल सेंस, इन रियल सेंस। तो रियल एप्पल को आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आप पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप जो समझ रहे हो, आप सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ को समझ रहे हो, और एप्पल जो है वो सेकेंडरी क्वालिटीज़ नहीं होती। जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसकी प्राइमरी क्वालिटी है और उसकी सेकेंडरी है। जो ह्यूमन बींग है वो सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ को समझ सकता है।
और प्राइमरी क्वालिटीज तक हमारा असेस ही नहीं है, और अगर असेस नहीं होगा उसका नॉलेज भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसका जो वो चीज़ें हैं डेफिनेटली, बट उसका जो एग्जिस्टेंस है वो माइंड पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज़ रियलिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।